विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इसी के तहत उन्होंने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बजाय प्रशिक्षण के साथ मानदेय देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम ने सबसे पहले राज कुशवाहा का पंजीयन किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां तेज। सीएम शिवराज ने खोला सौगातों का पिटारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने की ऐप और पोर्टल को लॉन्च। युवाओं से शिवराज बोले आई लव यू। मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई। इसके जरिए युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसमें अलग अलग विधाओं को शामिल किया गया है जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। एक अद्भुत योजना जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्रीज नहीं, सर्विस सेक्टर, केवल सर्विस सेक्टर नहीं, अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐसे हमने 700 काम छांटे हैं। जो 700 काम करने अलग अलग प्रतिष्ठान जहां चाहेंगे, दोनों के बीच में एक पोर्टल बन रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पोर्टल में एक तरफ वैकेंसीज होंगी, जैसे हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनेकों इंडस्ट्रीज के नीचे भी बैठे हैं, इनने अपने यहाँ की वैकेंसी ये निकाल रहे हैं और प्रकाशित भी कर दिए कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। शायद सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी 3-4 इंडस्ट्रीज ने निकाली है जिनके प्रमुख मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वैकेंसी अलग अलग तरह की है, जैसे अलग अलग टेक्नीशियन इनको चाहिए, अलग अलग तरह की फैक्ट्री में अनेकों प्रकार के काम हैं, उन कामों में ये बच्चों को रखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। टेक्नीशियन, टूरिस्ट गाइड, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रीशियन, वेब डेवलपर, अलग अलग तरह के अनेकों काम इनमें, फैब्रिकेटर, टेलर, इनसे लगा के अलग अलग तरह के कई काम है, 700 काम, जिसकी जैसी योग्यता हो, डिप्लोमा अगर किया है तो अलग काम करेंगे। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि टेंशन में मत रहो, तनाव मत लेना, आज मैं सबकी क्लास दूंगा। मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट्स के नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या? अपने भाषण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे लेकिन देते नहीं थे। मेरे बेटा बेटियों देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते वेते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं, और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। लेकिन एक बात मुझे दिल से बताना मुझे, क्या तुम बेरोजगारी भत्ता लेना पसंद करोगे? अरे जोर से बताओ। ये ऐसी चीज है जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती, तो हम हाथ फैलाएंगे क्या? मैं कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को चिड़िया देती है पंख, जिससे वो अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री उषा ठाकुर, डॉक्टर मोहन यादव, मीना सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत अन्य नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।